के इस वीडियो में हम आपको दावा फॉर्म भरने में अक्सर होने वाली त्रुटियों संबंधी जानकारियां दे रहे हैं। अगर आप इन बिंदुओं को समझ लेते हैं तो आप फॉर्म भरने में आ रही बार बार की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं दावा अस्वीकृति के सामान्य कारण और उनके निवारण के बारे में। इनमें सबसे पहला बिंदु है बेमेल जानकारियाँ। दरअसल नियोक्ता के द्वारा दावा फॉर्म में भरी जाने वाली जानकारियाँ जब ईपीएफओ के डेटा से मेल नहीं खाती हैं, तो दावा अस्वीकृत हो जाता है और नियोक्ता इन छोटी छोटी गलतियों को समझ ही नहीं पाता है। इसलिए दावा फॉर्म भरते समय आप बेमेल जानकारियों में 5 बिंदुओं पर जरूर ध्यान दें। पहला, नाम, पिता अथवा पति का नाम। दूसरा, नौकरी ज्वाइन करने या छोड़ने की तिथि। तीसरा, अधूरी केवाईसी। चौथा, अधूरी बैंक डिटेल्स। और पांचवा, उम्र अथवा जन्म तिथि विवरण में विसंगतियां। कई बार आधार और ईपीएफओ पोर्टल पर दर्ज नाम में अंतर होता है। अगर ऐसा होता है तो आवेदन के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र जमा करके इसको सुधरवाया जाना चाहिए। दूसरी गलती है जन्म तिथि की। यदि ईपीएफओ रिकॉर्ड और दावे पर अंकित जन्म तिथि के बीच अंतर है तो आपका दावा खारिज हो सकता है। यदि आपका केवाईसी विवरण पूर्ण और सत्यापित नहीं है तो भी आपका दावा खारिज हो सकता है। इसलिए देरी या बार बार अस्वीकृति से बचने के लिए दावा भरने से पहले केवाईसी की औपचारिकताओं को पूरा कर लें। यहाँ ध्यान देना होगा कि आधार कार्ड में किसी गलती को सही कराने के लिए आपको आधार कार्यालय से संपर्क करना होगा। कई बार सही बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड और सभी विवरण दर्ज करने के बाद भी एक त्रुटि अक्सर दिखाई देती है। वो ये कि संभवतः आपने संयुक्त खाते का उपयोग किया हो। अगर संयुक्त खाता आपके जीवन साथी के साथ है तो पीएफ विभाग इसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन किसी अन्य के साथ अस्वीकार कर दिया जाता है। यह भी संभव है कि बैंकों के विलय के कारण आपके बैंक के आईएफएससी कोड में संशोधन किया गया हो। कई बार अपलोड चेक अथवा पासबुक का धुंधला होना दावा रद्द होने का कारण बन जाता है। चेक अथवा पासबुक की ओरिजिनल फोटो ही अपलोड करें। फोटोकॉपी अपलोड करने की गलती ना करें। किसी भी त्रुटि की दशा में आपको अपने पीएफ पोर्टल पर अपने बैंक केवाईसी को फिर से अपडेट करना होगा और इसका पुनः अनुमोदन होगा। कई बार सदस्य या नियोक्ता के द्वारा दिया गया अधूरा विवरण भी दावा खारिज होने का कारण बन जाता है। इनमें 2 बिंदु प्रमुख हैं। पहला, प्रमाण पत्र संबंधित विवरण और दूसरा है चेक में दी गई अधूरी जानकारी। दरअसल कुछ दावों के लिए प्रमाण पत्र अथवा स्वघोषित दस्तावेजों को संलग्न करना जरूरी होता है। इन्हें संलग्न करने से पहले जांच लें कि आवश्यक दस्तावेज अधूरे तो नहीं है, वरना दावा खारिज हो सकता है। निकासी के समय अपने चेक या पासबुक की एक प्रति अपलोड करना जरूरी है। चेक पर आपका नाम होना चाहिए या अपनी पासबुक का पहला पेज अपलोड करें। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि पासबुक पेज पर वही नाम और बैंक विवरण हो जो आपके केवाईसी में दिया गया हो। कई बार नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट नहीं होती है या फिर नौकरी ज्वाइन करने और छोड़ने की तारीखें रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती हैं, जिस वजह से दावा अस्वीकृत हो जाता है। कई बार गैर पात्रता यानी नॉन एलिजिबिलिटी भी अस्वीकृति का कारण होते हैं। इसलिए दावा आवेदन के समय पात्रता सदस्य द्वारा पूरी की जानी चाहिए, अन्यथा आवेदन खारिज कर दिया जाता है। यूएएन का आधार से लिंक न होना भी दावा अस्वीकृति होने का कारण बन सकता है। एक और कारण है गलत फॉर्म का भरा जाना। कई बार गलत निकासी या स्थानांतरण फॉर्म का उपयोग करना भी अस्वीकृति का कारण बन जाता है। तो साथियों, ये थे दावा अस्वीकृति के सामान्य कारण और निवारण से संबंधित जानकारियाँ। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपकी जानकारियों को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। हाँ, विभिन्न प्रकार के दावों पर अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष वीडियोस देखना ना भूलें। नमस्कार, यदि आप चाहते हैं कि आपके क्लेम्स रिजेक्ट न हों
और आपको अपना पैसा जल्दी मिले, तो आप इस वीडियो में बताई गई बातों का ध्यान रखें, अपना KYC हमेशा अपडेट रखें, जानकार बने और दूसरों को भी जानकार बनाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।